रतलाम जिले के आलोट नगर एवं क्षेत्र में चोरी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। चोरों के भय से किसान परेशान है। जब फरियादी थाने में बाइक चोरी की अन्य चोरी की घटना की रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उनसे सिर्फ आवेदन ही लिया जाता है। फरियादी द्वारा रिपोर्ट मांगने पर भी कहा जाता है कि आवेदन ही काफी है। आलोट नगर में टीआई का पद खाली है। उप निरीक्षक शोभा राम अहिरवार को 25 फरवरी 2020 को थाना प्रभारी का चार्ज लिया है। पिछले कई वर्षों से यहां पर चाहे टीआई हो या उप निरीक्षक, कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया है। क्षेत्र में चोरियों की वारदातों से जनता परेशान है। पुलिस झगड़े की रिपोर्ट तो तत्काल कर लेती है, लेकिन चोरी की रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करती है। भीम निवासी किसान शंकरलाल पुत्र काशीराम शर्मा ने बताया कि 28 मई को जिला सहकारी बैंक रतलाम शाखा आलोट के राजेंद्र चौक कार्यालय में गेहूं के पैसे निकालने आया था। बाइक MP13DW2845 एक तरफ रखकर लाइन में लगा था, लेकिन वहां से अज्ञात चोर बाइक उठाकर ले गए। थाने में रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस ने आवेदन ले लिया। बाद में मेरे भानेज राधेश्याम व्यास के साथ थाना प्रभारी अहिरवार से मिलने गए और उसने एफआईआर की कॉपी मांगी तो उन्होंने कहा कि आवेदन ही काफी है। क्षेत्र में इस प्रकार बाइक एवं अन्य चोरी की घटनाओं पर पुलिस कायमी नहीं करती है। कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद भी मजबूरन लिखी जाती है। कई लोगों का कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण ही चोर सक्रिय हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आलोट संवाददाता दुर्गा शंकर पहाड़िया की रिपोर्ट। नाम आपका? मेरा नाम शंकरलाल शर्मा है साहब। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं भीम रहता हूँ साहब। अच्छा, क्या हुआ आपकी गाड़ी का, क्या हुआ? मेरी गाड़ी में बैंक में गया था पैसे लेने के लिए। हाँ, बैंक के पास में गली है। हाँ, पूरा लाल सेठ की दुकान के सामने मैंने गाड़ी खड़ी करी। हाँ, बैंक में गया। हाँ, और बैंक में ऐसा लगा आगे मेरी गाड़ी कोई उठा कर गया। हाँ, देखने के लिए गया मैं एक आध घंटा के बाद। हाँ, गाड़ी वहाँ से ले गए उठा करके। हाँ, वो थाने पर गया। हाँ, थाने पर जो है पुलिस वाले जो हैं वो आवेदन ले रहे हैं। आवेदन? अच्छा, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे? नहीं 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 कर रहे, वो तो सो रहे हैं, नींद निकाल रहे हैं। अच्छा। हाँ, एफआईआर दर्ज किसी की नहीं ले रहे हैं, वो तो किसी की नहीं कर रहे हैं, आवेदन ले रहे हैं। सभी का आवेदन ले रहे हैं, वो सभी का जो जाए ना वहाँ फरियादी, उन सभी का आवेदन ले रहे हैं, वो सो रहे हैं, नींद निकाल रहे हैं। ये कब की घटना है? ये 28 तारीख की घटना है साहब। कितने बजे की घटना है ये? ये 11 और 12 के बीच की घटना है। 11 से 12 के बीच की घटना है। तो आप प्रशासन के पास गए थे? 3 दिन हो गया साहब। 3 दिन हो गए? जाते 3 दिन हो गए। अच्छा, क्या बोलते हैं पुलिस वाले? हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? आप 8 दिन में आओगे तो आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगा। अच्छा, कर देंगे हम, 2 लाइन का काम है यार। हाँ, बोलते हैं। मैंने यहाँ पर 3 दिन हो गए हैं, मेरे मामा जी लगते हैं भीम में, शंकरलाल जी शर्मा, पिता काशीराम जी शर्मा हैं, और इनकी गाड़ी दिन दहाड़े 11 से 12 के बीच में सहकारी संस्था राजेंद्र चौक पर चोरी हुई है। जिस गाड़ी की रिपोर्ट के लिए मेरे मामा जी 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं, और मैंने TI साहब से बोला तो TI साहब ने बोला कि आवेदन ही, जब जनरल आवेदन के आधार पर अगर FIR दर्ज नहीं हो पा रही है, वो यूँ कह रहे कि यही FIR है। मुझे फ़ोन पर बोला उन्होंने कि मैं FIR दर्ज, मैंने कहा उनसे कि श्रीमान जी इस मामले की FIR दर्ज की जाए, तो उनका ये कहना है मुझे फ़ोन पर कि वो FIR ही समझो उसको, वो FIR है, जबकि ये जनरल आवेदन है। ये जनरल आवेदन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये जनरल आवेदन है, इस पर ना तो TI की साइन है और ना सिग्नेचर है, क्या इसको FIR मानी जाएगी क्या? मतलब मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इस आलोट क्षेत्र में जैसे दिन दहाड़े चोरियाँ हो रही है और पुलिस प्रशासन यहाँ चैन की नींद सो रही है, क्या मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन भी क्या चोरों से मिली हुई है क्या? क्यों नहीं पकड़ पा रही है चोरों को? क्यों नहीं पकड़ पा रही? इतनी चोरियाँ हुई है, कई कई चोरियाँ हुई है पुलिस यहाँ पर आलोट क्षेत्र में, लेकिन आज तक
पुलिस किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे पा रही है। गरीब किसान, गरीब काश्तकार पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, यहाँ तक कि मेरा परिचय उनको मालूम है कि मैं पत्रकार हूँ, उसके बाद भी मुझे इस प्रकार की बात बोली जाती है। तो अगर ऐसे व्यक्ति के साथ में, पत्रकारों के साथ में इस प्रकार की बात बोली जाती है तो गरीब लोगों का क्या हाल होता होगा, ये बात बताइए आप। मैं पुलिस प्रशासन से गुजारिश करता हूँ। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम गरीबों का भला कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में किसानों का भला कर रहे हैं, इधर किसानों की गाड़ियां चोरी हो रही है, इधर किसानों के घरों में आग लगाई जा रही है। अभी मैं 20 तारीख की घटना बरखेड़ा थाने के अंतर्गत की बताता हूँ, सोनगिरी की बात बताता हूँ। वहाँ पर एक किसान के घर के अंदर आग लगाई गई है, पुलिस प्रशासन वहाँ की भी सुनवाई नहीं कर रही है। मैंने जाकर के पुलिस प्रशासन से बात करी वहाँ पर टीआई साहब से, उनका कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। क्या इस प्रकार से मामले की जांच कर रहे हैं, जबकि उस व्यक्ति का ये भी कहना है कि मैंने नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि इस आदमी ने मेरे घर के अंदर आग लगाई है, उस आदमी को नहीं पकड़ा जा रहा है। क्यों पुलिस प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है?